तो बच्चों आपको पता है कोई भी एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, ये 3 पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम प्रिपरेशन में, लर्निंग, रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको लर्न करना अच्छे से, उस इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखना अंटिल योर एग्जाम टाइम, एंड एग्जाम के वक्त उसको रिकॉल करना। तो रिटेन करने के लिए रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक बार पढ़ोगे और आपको 2 साल के बाद ये वो चीज़ याद रहेगी, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए रिवीजन इज़ वेरी क्रूशियल स्टेप फॉर रिटेनिंग द इंफॉर्मेशन टू रिकॉल इन एग्ज़ाम। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो मैंने बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के नोट्स निकाले हैं फॉर क्विक रिवीजन, तो ये नोट्स मैं आपको फ्री में अवेलेबल करके देने वाली हूँ मेरे फेसबुक पेज पे। तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो देखो, लिविंग वर्ल्ड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैज फ्यू प्रॉपर्टीज, ओके, उसमें से कुछ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है, कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, नॉन डिफाइनिंग, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। जैसे ग्रोथ कैन बी एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। व्हाई ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज? बिकॉज सम लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शोज द ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल सैंड पाइल होता है या फिर स्नो माउंटेन होता है, उसके ऊपर एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो या एक्यूमुलेशन ऑफ सैंड होने की वजह से ग्रोथ होती है, सरफेस पे ग्रोथ होती है एक्यूमुलेशन, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी शो करते हैं, राइट। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं 2 टाइप्स ऑफ इंट्रिंसिक ग्रोथ। इंट्रिंसिक ग्रोथ मतलब फ्रॉम इनसाइड, एक्सट्रिंसिक मतलब फ्रॉम आउटसाइड ऑन द सरफेस, इंट्रिंसिक फ्रॉम इनसाइड, ओके। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ कैन बी इनडिटर्मिनेट एंड डिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ प्रेजेंट इन प्लांट्स, डिटर्मिनेट ग्रोथ प्रेजेंट इन एनिमल। लाइक प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट मतलब अनलिमिटेड ग्रो होते रहती है प्लांट्स की। क्यों होती है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ प्लांट्स में? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके, इन द रूट्स में, यहाँ पे अपाइकल में या फिर शूट्स में। अपाइकल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, उसकी वजह से इनडिफिनाइट और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है प्लांट्स में। डिटर्मिनेट ग्रोथ इट इज ए डिफ्यूज्ड ग्रोथ विच ऑकर्स इन द एनिमल्स, ओके। देन इंक्रीज इन द नंबर एंड इंक्रीज इन द मास आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ कैसे होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में? फॉर एग्जांपल हम देखेंगे तो यहाँ पे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, 1 सेल से 2 सेल बनते हैं, फिर 2 सेल से 4 सेल बनता है, तो ये नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसको ही ग्रोथ बोलते हैं और उसको ही रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम, equivalent terms, growth and reproduction. So growth in multicellular organism is increase in mass or size and the numbers of organisms, okay. Abhi in plants and bacteria growth has 3 and 4 phases respectively. Plants में 3 phases की growth होती है, bacteria में 4 phases की growth होती है। जैसे growth in plants lag phase, lag मतलब मेरिस्टेमेटिक, ये seed होता है ना, सीड पहले जर्मिनेट होके ये सीडलिंग निकलते हैं, ये होता है लैग फेज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनते हैं। यहाँ पे लॉग फेज मतलब इलोंगेशन की फेज, एंड स्टेरी फेज, मैच्योरेशन के बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है प्लांट के, एक पॉइंट पे थोड़ी सी ग्रोथ रुक जाती है, उसको बोलते हैं मैच्योरेशन और स्टेरी फेज, ओके। और यही ग्रोथ बैक्टीरिया में कौन से फेजेस की होती है? लैग फेज, लॉग फेज मतलब बैक्टीरिया एडेप्ट होते हैं एनवायरनमेंट में, या जहाँ पे वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ओके, मेटाबॉलिकली एक्टिव, बट उनका नंबर नहीं बढ़ता है, तो ये होती है लैग फेज। फिर वो क्या करते हैं? एडजस्ट होता है एनवायरनमेंट को और फिर एक्सपोनेंशियली ग्रो होते हैं, उसको बोलते हैं लॉग फेज। कंटिन्यूस सेल डिवीजन होती है, सेल नंबर इंक्रीज होता है। उसके बाद में स्टेशनरी फेज आ जाती है, एक बार मतलब बहुत ज़्यादा डिवीजन हो गया बैक्टीरिया का, वहाँ पे उन्होंने एडजस्ट कर लिया एनवायरनमेंट को और उस एनवायरनमेंट के सारे न्यूट्रिएंट्स को उन्होंने खत्म कर दिया। उसके बाद में आती है स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज मतलब डेथ ऑफ बैक्टीरिया, ओके। सो ग्रोथ फेज, ग्रोथ इन प्लांट्स एंड ग्रोथ इन बैक्टीरिया, ये आपको याद रखना है। प्लांट में 3 phases होते हैं, बैक्टीरिया में 4 phases होते हैं ग्रोथ के, ओके। नेक्स्ट आ रहा है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, जैसे कि हमने देखा रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर में क्या होता है? इंक्रीज इन द नंबर, इट इज इक्विवेलेंट टू ग्रोथ, ओके। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? स्पेशल बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ओनली 1 parent इज इन्वॉल्व, नो गैमेट्स आर देयर। स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ये 4 methods है आपके बुक में। तो इसमें देखेंगे हम स्पोर फॉर्मेशन, एग्जाम्पल फंजाई, यहाँ पे डायग्राम भी निकाल के रखनी है तो ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ईजी याद हो जाएगा, ईजी रिकॉल हो जाएगा। स्पोर फॉर्मेशन एग्जाम्पल फंगाई, देन बर्डिंग, ईस्ट एंड हाइड्रा, बर्ड निकल के आता है और रिप्रोडक्शन होता है। रीजनरेशन, रीजनरेशन मतलब एक बॉडी पार्ट कट होता है और दोनों मतलब जहाँ पे कट हुआ है ना वहाँ से नीचे का बॉडी पार्ट रेडी होता, तैयार होता है और ऊपर का बॉडी पार्ट, मतलब एक ऑर्गेनिजम्स का रीजनरेट होकर दो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ओके, ये होगा रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का भी वही है, फंगाई फिलामेंटस, ये कंप्लीट रीजनरेशन है ना, उसको फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। ओके, मतलब पूरा बॉडी पार्ट तैयार होना। फंगाई फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनोम ऑफ मॉसेस, ये एग्जाम्पल याद रखना है। देन एक्सेप्शन टू रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन को हम नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों बोलते हैं? बिकॉज रिप्रोडक्शन में भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, दैट इज नॉट कंप्लीटली एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। ओके, एक्सेप्शन होते हैं जैसे कि मेल हॉर्स एंड फीमेल डोंकी का ब्रीड होता है हिन्नी, और मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स का ब्रीड होता है म्यूल। तो ये दोनों भी क्या है, स्टराइल ऑफस्प्रिंग्स है, ये फिर से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। दैट मीन्स जो भी नॉन रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है वो भी तो अलाइव है ना, नॉन रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते पर वो अलाइव है, राइट। तो ये हो गया एक्सेप्शन। ओके, मतलब ऐसा नहीं कह सकते हम कि रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब दैट ऑर्गेनिज्म इज डेड, राइट, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कुछ स्टराइल ऑर्गेनिजम्स है जिनकी वजह से रिप्रोडक्शन इज ए नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन होता है और मियोसिस होता है। इट इज द मेन रीजन फॉर बायोडाइवर्सिटी। ओके, जैसे मेल एंड फीमेल इनके गैमेट्स तैयार होंगे, हाफ हाफ क्रोमोसोम आ जाएंगे और उसमें से दोनों का फ्यूजन होकर ऑफस्प्रिंग्स बनेगा। ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। व्हाटएवर chemical reactions are happening in our body are called as metabolism. Okay, it is an exclusive character or property without any exception, that is it is a defining property. अब जो metabolism reaction जो glass में होती है, मतलब test tube में होती है, हम lab में perform करते हैं, वो तो non living thing है, right? Test tube is a non living thing, फिर भी उसमें living reactions हो रही है, तो it is a non living thing and reactions are living reactions. Okay, तो मेटाबॉलिज्म होता है टू टाइप्स का, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब कुछ बनाना, आने दो फिर बनाना। ओके, कंस्ट्रक्शन, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी यूज होती है, कुछ भी काम करना है ना तो एनर्जी लगती है आपको, तो इसे याद रखना है कि उसमें एनर्जी यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स का अमाइनो एसिड ज्वाइन करके बड़ा सा प्रोटीन बनाना, ये हो गया एनाबॉलिक रिएक्शन। या फिर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिज्म। ओके, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज करके हम ग्लूकोज बनाते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ शुगर बनाते हैं, ये हो गया एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब काटना, डिस्ट्रक्शन करना, तो डिस्ट्रक्ट करना मतलब कुछ भी चीज अगर आपको तोड़फोड़ करनी है तो आपकी एनर्जी रिलीज होती है, तो डिस्ट्रक्शन करना इज एनर्जी रिलीजिंग, कैटाबॉलिज्म इज एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। जैसे प्रोटीन को कट करके छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स बनाने, ये कैटाबॉलिज्म है। या फिर रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज कट होके एनर्जी रिलीज होती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, ये तो कैटाबॉलिज्म हो गया। ओके, देन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें क्या याद रखना है, सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। देन प्रोटोप्लाज्मा, सेल इज मेड अप ऑफ प्रोटोप्लाज्मा विच इज साइटोप्लाज्मा प्लस न्यूक्लियस। ओके, सो प्रोटोप्लाज्मा इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, ये किसने कहा था, J. E. पर्किंजे ने कहा था 1839 में। एंड प्रोटोप्लाज्मा इज ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये किसने कहा था, हक्सले ने कहा था 1868 में। ओके, ये चीजें याद रखनी है आपको। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस occur in protoplasma. Okay, the next defining property is consciousness. Consciousness means awareness, experience और attention. जो भी surrounding में आपके हो रहा है ना या फिर living organisms के, उसका awareness, उसको सेंस करके उसके ऊपर रिएक्ट करना, ये कि कॉन्शियसनेस हो गया। इट इज एबिलिटी टू सेंस टू द स्टिम्यूला एंड रिस्पॉन्स। स्टिम्यूला कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल स्टिम्यूला में क्या होता है, टच, लाइट, टेम्परेचर, ये सब एग्जाम्पल है फिजिकल स्टिम्यूलाई के। फॉर एग्जाम्पल टच, माइमोसा पुडिका, जिसमें टच मी नॉट प्लांट, टच करने के बाद उसके लीफ क्लोज हो जाते हैं। देन लाइट सेंसेशन, लाइट इज अ स्टिम्यूलाई विच वी सी इन सनफ्लावर। ओके, टेम्परेचर मतलब ब्रीडिंग इन एनिमल्स एंड हाइबरनेशन, ये जो स्टिम्यूलाई है टेम्परेचर से ये सारी चीजें कंट्रोल करते हैं। केमिकल, टेस्ट, सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द टेस्ट। बायोलॉजिकल, दैट इज हॉर्मोन्स, पेन, विजन, ये सारे हो गए बायोलॉजिकल स्टिमुलाई। देन होता है, अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके NCERT के बुक में, ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। नाउ द पेशेंट विथ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस, व्हाट आर दे कंसिडर्ड एज? फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट कोमा में हो तो ब्रेन इज इन वेजिटेटिव स्टेट, दे आर स्टिल अलाइव, ब्रेन स्टिल हैव सम एक्टिविटी। बट अगर ब्रेन डेड पीपल हो, ओके, जिनको सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता है बट ब्रेन उनका डेड हुआ होता है, तो ब्रेन डेड पीपल्स आर कंप्लीटली डेड, दे आर नॉट अलाइव, उनके ब्रेन में कुछ भी एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कोमा एंड ब्रेन डेड। कोमा में अलाइव होता है पेशेंट, ब्रेन डेड में डेड होता है। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जितने भी हमारे सराउंडिंग में स्पेसीज है, बायोलॉजिकल स्पेसीज, वो वैरायटी ऑफ स्पीसीज है, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी. द बायोडाइवर्सिटी इज द नंबर और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ. बायोडाइवर्सिटी वर्ड इज कॉइन्ड बाय वाल्टर जी रोज, ओके, रोजन. तो ये याद रखना है आपको. देन देयर आर 1.7 टू 1.8 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज, दैट मीन्स 17 टू 18 lakhs because 1 million is equal to 10 lakhs. तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड ये याद रखना है. देन बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने प्रपोज किया है? ये कार्ल लिनियस ने. बायनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब दो, बाय मतलब दो वर्ड्स का नाम देना. तो जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम देते हैं ना, उसको बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर. तो इसके रूल्स आपको कहाँ मिलेंगे? ICBN, ICZN एंड ICNCP. ICBN मतलब क्या? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर. बी स्टैंड्स फॉर बॉटैनिकल. इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. एंड ICNCP मतलब क्या? जो भी कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं ना, जो हम कल्टिवेट करते हैं, तो उनके नोमेनक्लेचर के लिए इसमें आपको रूल्स मिलेंगे. इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स. ओके, तो रूल्स क्या है इसमें? जैसे कि बताया कि साइंटिफिक नेम आर ऑफ टू पार्ट्स, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिटेट. ओके, ये हो गया जेनेरिक नेम. मैग्निफेरा इंडिका, फॉर एग्जांपल इट इज ए मैंगो, कॉमन नेम इज मैंगो. तो मैंगिफेरा इंडिका में ये हो गया जेनेरिक नेम, ये हो गया स्पेसिफिक नेम. तो लैटिन और डिराइव फ्रॉम लैटिन. द नेम शुड बी लैटिनाइज्ड और इट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन. इट शुड बी इटैलिक्स व्हेन रिटन एंड प्रिंटेड और underlined when handwritten. Generic name starts with capital letter, specific epithet with small letter. यहाँ पे देखो generic name capital से start किया है, specific epithet small से start किया है, right? इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग इनटू कैटेगरीज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस. क्लासिफिकेशन करने के बाद टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट द अरेंजमेंट, मेथड ऑफ अरेंजिंग द ऑर्गेनिजम्स इनटू देयर स्पेसिफिक ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस. तो उन ऑर्गेनिजम्स को जिनको क्लासीफाई किया है हम, उनको ग्रुप में अरेंज करना, इट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी. टैक्सिस मतलब अरेंजमेंट, नॉमी मतलब मेथड. The father of taxonomy is Carl Linnaeus, ये सबको पता है. Word taxonomy is given by or coined by A.P. de Candolle और Augustin Pyramus in 1813. So these both were Swedish botanists. Okay, उसके बाद में Carl Linnaeus in 18th century, that is precisely in 1735, in Systema Naturae proposed three broad groups of classification: kingdom, class and order. ये three broad groups दिए थे. उसके बाद में genus and species based on binomial nomenclature, genus and species were added later. Okay, which processes are basic to taxonomy? Taxonomy में क्या processes होते हैं? Identification, identification of an individual, organism, new species, then characterization, उसके कौन से कैरेक्टर्स है उसको डिफाइन करना, देन बेस्ड ऑन इट्स कैरेक्टराइजेशन क्लासिफाई करना और उसको नाम देना. ये है प्रोसेस विच आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी. देन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की. हायरार्की मतलब रैंक. जो भी ऑर्गेनिजम्स हमने सर्च किए हैं या फिर ढूंढे हैं, उनको रैंक देना. मेथड ऑफ रैंकिंग ऑर्गेनिजम्स और अरेंजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू अ प्रॉपर रैंक. ये हो गई हायरार्की हमारी. ओके, किंग डीपी केम ओवर फॉर गुड सूप, ऐसे याद रखना है आपको. किंग डीपी, डिवीजन एंड फाइलम. किंग स्टैंड्स फॉर किंगडम, डिवीजन फाइलम क्लास, ऑर्डर फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, वैसे क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीज होते हैं, स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होती है. इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी पोस्ट किया है, तो वो आप देख सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. ओके, या फिर चैनल में जाके आप देख सकते हो. और जैसे जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज होंगे एंड स्पेसिफिसिटी डिक्रीज होगी. तो आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ आप अंडरस्टैंड होने के लिए डिटेल में वीडियो देख लीजिए, मेरा प्रीवियस वाला. Okay, kingdom. Kingdoms are the most inclusive. Maximum organisms are present in kingdom. Species least inclusive. Only one type of organism is present in species. Okay, so species is the basic unit of classification. Division, it is present in case of plants. Phylum, it is present in case of animals. Very important point to remember. As we go higher from species to kingdom, नीचे से ऊपर जाता है ना, the number of common characters goes on decreasing. Okay, taxon. Taxon is a group of organism at particular rank in category. Example, Animalia, Plantae at kingdom level. So ये होगा taxon. Taxon is a group of organism at a particular rank. Okay. Next है taxonomy versus systematic. So taxonomy term coin किसने की है? A.P. de Candolle ने. और systematic word coin किसने किया है? Carl Linnaeus ने. Okay. Taxonomy मतलब arrangement, method of arranging. Systematic मतलब orderly arrangement. Okay. तो काइंड ऑफ सिमिलर ही है. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, ये दोनों के फादर कौन है? कार्ल लिनियस. ओके, नाउ द स्टडी ऑफ अभी जस्ट पहले आपने देखा कि टैक्सोनॉमी में किस किस की स्टडी होती है, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर में, और सिस्टमैटिक में किसकी स्टडी होती है, टैक्सोनॉमी की, ये सारी चीज़ों की स्टडी होती है, प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब उस ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन में किसके साथ रिलेशनशिप है, कैरेक्टरिस्टिक किसके साथ मैच कर रही है इवोल्यूशन में, ये सारी चीज़ों की स्टडी होती है सिस्टमैटिक में. तो सिस्टमैटिक इज नथिंग बट द ब्रॉड टर्म विच इंक्लूड्स टैक्सोनॉमी एज वेल. ओके, नाउ टैक्सोनॉमी, एनवायरमेंटल कंडीशंस आर इनडायरेक्टली रिलेटेड इन टैक्सोनॉमी whereas environmental conditions are directly related for the analysis in systematic. Okay, now it is subject to change with time. What? Taxonomy. And systematic does not change with time. Okay, ये सारे important points आपको याद रखने हैं. Taxonomy and systematics में species. Species, the word species was first coined by John Ray in his 1686 work titled History of Plants. तो species किसने coin किया था? John Ray ने. ओके भाई, इसमें से देखो, चूज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट विद द करेक्ट वर्ड. कार्ल लिनियस, कार्ल लिनियस ने क्या किया था, यहाँ पे देखो, कार्ल लिनियस कॉइंड सिस्टमैटिक, देन जॉन रे का अभी हमने पढ़ा, जॉन रे ने क्या किया था, कॉइंड स्पेसिस, देन जूलियन हक्सले, जूलियन हक्सले ने क्या किया था, गेव न्यू सिस्टमैटिक कंसेप्ट, एंड एडोल्फ मेयर, एडोल्फ मेयर ने क्या किया था, कॉइंड टैक्सॉन फॉर एनिमल स्पेसिस. ओके, टैक्सॉन फॉर एनिमल स्पेसिस एडोल्फ मेयर ने किया था, टैक्सॉन फॉर प्लांट स्पेसिस कार्ल लिनियस ने किया था. ओके, नाउ मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन ऑफ स्पेसिस किसने दिए हैं अभी तक, अर्न्स्ट मेयर ने. ओके, व्हाट वाज द डेफिनेशन ही हैज गिवन, डेफिनेशन अर्न्स्ट मेयर की, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट एक्चुअली इंटरब्रीड इन नेचर, मतलब जो इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं. ओके, जो भी ऑफस्प्रिंग फर्टाइल होती है ना, उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्या हम करते हैं, एक स्पेसिस में डाल देते हैं. ओके, Now what is species problem? Species problem क्या है? A set of questions that arises when biologists attempt to define what a species is. जैसे कि हम बोलते हैं कि अर्न्स्ट मेयर की बहुत रिसेंट डेफिनेशन है और मोर एक्सेप्टेबल है, बट ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंटरब्रीड जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल्स, उनको हम एक स्पेसीज में रखते हैं ऐसा बोला है. बट व्हाट अबाउट द असेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स और व्हाट अबाउट द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में तो इस स्पेसीज में मतलब कुछ नहीं बोल सकते हैं ना हम. तो स्पेसीज प्रॉब्लम क्या है कि एक कोई डेफिनेशन स्पेसीज की हो ही नहीं सकती. देयर आर लॉट्स ऑफ कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज ऑन विच वी क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म. तो ये हो गया स्पेसीज प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट जीनस. जीनस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज. फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है सोलानम. सोलानम में स्पेसीज आते हैं ट्यूब्रोजम एंड मेलोंजेनम. ट्यूब्रोजम मतलब पोटैटो, मेलोंजेना मतलब ब्रिंजल. तो सोलानम जो क्या है ना, ये लार्जेस्ट जीनस है एंजियोस्पर्म में, जिसमें मोर देन 1500 स्पेसीज आते हैं. तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. देन पैंथेरा. पैंथेरा में कौन से स्पेसीज आते हैं, लियो, पार्डस, टिग्रिस. लियो मतलब लायन, ओके, देन पार्डस मतलब लेपर्ड, देन टिग्रिस मतलब टाइगर. ओके, ये स्पेसीज आते हैं जीनस पैंथेरा में. ओके, नाउ व्हाट आर द सफिक्सेस यूज्ड फॉर फैमिली, ऑर्डर एंड क्लास. जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स में फैमिली के लिए प्लांट्स में क्या यूज होता है, एंड में सफिक्स मतलब जो एंड में यूज होता है, ए सी ई, ए ई. ओके, जैसे सोलानेसी, फेलिडी. सोलानेसी में ए ई है एंड में, तो ए ई अगर एंड में हो तो आपको समझना है ये फैमिली है. जैसे अनाकार्डिसी, ओके, पोकेसी, ये ए ई है ना, तो ये फैमिली है प्लांट्स में. बट फैमिली अगर एनिमल्स की फैमिली हो तो उसमें आई डी ए ई होता है, नॉट ए सी ई ए ई. ए सी ई ए ई सिर्फ प्लांट्स में होता है, आई डी ए ई एनिमल्स में होता है. जैसे फेलिडी कैट की फैमिली, मस्कीडी हाउस फ्लाई की फैमिली, होमिनिडी ह्यूमंस की फैमिली. ओके, वैसे ऑर्डर, ऑर्डर्स अगर प्लांट्स में हो तो ए एल ई एस. एनिमल्स में ऐसे स्पेसिफिक नहीं होता है सफिक्स, ए एल ई एस ऑर्डर के लिए, और क्लास के लिए ए ई. ओके, एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं, ये याद रखना है आपको. नाउ रैंक्स इन बॉटनी एंड जूलॉजी. ओके, बॉटनी एंड जूलॉजी में रैंक्स कौन से होते हैं, ये किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ये तो सबके लिए कॉमन होते हैं. ओके, फिर उसके बाद में मतलब सारे रैंक्स कॉमन होते हैं, बट फैमिली और जीनस में यहाँ पे देखो ट्राइब आता है. यहाँ पे भी फैमिली एंड जीनस में ट्राइब आता है. तो ट्राइब, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है नीट के एग्जाम में, कि ट्राइब के वाला जो टैक्सोनॉमिक रैंक है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन द फैमिली एंड जीनस. उसके बाद में ये चीज़ याद रखनी है, सेक्शन एंड सीरीज, ये सारी प्लांट की है. ओके, ट्राइब, जीनस, सेक्शन, सीरीज, स्पेसीज, वैरायटी एंड फॉर्म. वैरायटी एंड फॉर्म ये सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, ये एनिमल्स में नहीं होते हैं. ओके, जैसे कि फैमिली के ऊपर हो कोई भी रैंक तो उसको बोलते हैं सुपर फैमिली, और फैमिली के नीचे हो तो सब फैमिली, इंफ्रा फैमिली. वैसे ऑर्डर के ऊपर हो तो सुपर ऑर्डर, नीचे हो तो सब ऑर्डर, इंफ्रा ऑर्डर, लाइक दैट. ओके, तो ये सारे रूल्स किस में दिए हैं, ICBN एंड ICZN में हमने देखा भी. ओके, रूल्स इन द कोड अप्लाई टू द रैंक्स ऑफ सुपर फैमिली टू सब स्पेसिस. सुपर फैमिली से लेके सब स्पेसिस तक ही अप्लाई होते हैं ये रूल्स. ओके, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं इन बुक में जो रूल्स दिए हैं. नाउ इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स. कल्टीवेटेड प्लांट्स का हमने देखा है कि कल्टीवेटेड प्लांट्स के 3 ग्रुप्स होते हैं, कल्टीवर ग्रुप, कल्टीवर एंड ग्रेक्स. ओके, तो इस इन तीनों ग्रुप के लिए जो भी मतलब नाम देना है, साइंटिफिक नेम देना है, इन ग्रुप में जो प्लांट्स होते हैं उनको अगर साइंटिफिक नेम देना है तो हम कहाँ से रूल्स फॉलो करते हैं, ICNCP से. ओके, देन इसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला टेबल है आपके बुक में, NCERT की बुक में. इसको कैसे याद रखना है मैं बताती हूँ फास्ट में. जैसे मैन कहाँ पे रहता है, होमो में, होमो सैपियंस. होमो सैपियंस इसका बायोलॉजिकल नेम है. ओके, घर में रहता है तो होमो. अभी ट्रिक कैसे है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, ये उल्टा जाना है. जैसे हम नीचे से आते हैं ना, मतलब स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम. ओके, तो वैसे फैमिली, फैमिली में क्या होता है, IDEE, होमिनिडी. तो कैसे याद रखना है, HPMC, तो हमारी प्यारी ममता चतुर्वेदी. ओके, कोई भी नाम ले लो आप आपके मन से. मैंने ममता चतुर्वेदी का लिया है. तो H स्टैंड्स फॉर होमिनिडी, P स्टैंड्स फॉर प्राइमेटा, M स्टैंड फॉर मैमेलिया, C स्टैंड फॉर क्वाड्रेटम. ओके, वैसे हाउस फ्लाई. ओके, हाउस में, घर में क्या होती है, मक्खी. मक्खी बोलते हैं ना हम उसको, हाउस फ्लाई को. तो मस्का डोमेस्टिका, याद, घर, डोमेस्टिक मतलब घर, मस्का डोमेस्टिका याद रहेगा आपको. जीनस, जीनस क्या है उसका, मस्का. ये फर्स्ट नेम जो होता है जीनस होता है, राइट. तो मस्का तो याद रहेगा. उसके बाद में मस्किडिया, डिप्टेरा, इंसेक्ट एंड ऑर्थो. अभी मक्खी कहाँ पे डीप हो गई पता है, ऑर्थो नाम के एक ड्रिंक में. ये ड्रिंक है मानो, तो मक्खी डीप इन ऑर्थो. मक्खी स्टैंड्स फॉर मस्किडी, डिप्टेरिया इन इंसेक्टा, ऑर्थो ऑर्थोपोडा. ओके, वैसे ही मैंगो, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा ये पता है इंडिका, इंडिया में मिलता है मैंगो, इसलिए इंडिका. मैंगीफेरा जीनस आएगा. देन उसके बाद में फैमिली क्या आएगी, अनाकार्डिसी, देन सैपिडेल्स, डाइकोटिलोडोनी एंड एंजियोस्पर्मी. तो एना, सांप दिखा आंगन में, एना करके एक लड़की है उसको सांप दिखा आंगन में. तो एना एनाकार्डिया, सांप सैपिडेल्स, दिखा मतलब डाइकोटिलोडॉन्स, डी स्टैंड्स फॉर डाइकोटिलोडॉन्स, आंगन में एंजियोस्पर्मी. ओके, वैसे ही व्हीट, व्हीट क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम. ये आपको याद रखना है, इसके लिए मैं ट्रिक के कुछ नहीं बताऊंगी. तो ट्रिटिकम अभी क्या है, सांप अगर आंगन में दिखा तो उसके नीचे क्या है, व्हीट, उसको पकड़ पकड़ के मारा आंगन में. पोकेशिया, पोएल्स, मोनोकोटिलेडोनी एंड एंजियोस्पर्मी. ओके, याद रहेगी ट्रिक. नेक्स्ट जो है टैक्सोनॉमिकल एड्स है. टैक्सोनॉमिकल एड्स डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है. टैक्सोनॉमिकल एड्स मतलब क्या होता है, दिस आर नथिंग बट द गूगल फॉर साइंटिस्ट. इसमें हम सारे स्पेसिस की इंफॉर्मेशन हम ढूंढ सकते हैं, जो भी अवेलेबल स्पेसिस है या फिर नई स्पेसिस ढूंढी गई हो तो उसको क्लासिफाई कैसे करना है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. यूजिंग द टैक्सोनॉमिकल एड साइंटिस्ट यूजुअली क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स. तो टैक्सोनॉमिकल एड्स कौन से हैं, बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरियम, फ्लोरा, कीज, जूलॉजिकल पार्क, मैनुअल, म्यूजियम एंड मोनोग्राफ. जैसे बॉटनिकल गार्डन एक्सिटू कंजर्वेशन है, जहाँ पे अलाइव प्लांट्स को प्रिजर्व करते हैं. हर्बेरियम डेड प्लांट स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करते हैं. वहाँ पे हर्बेरियम की साइज कितनी होती है, शीट किसकी कितनी होती है, ये सारे नोट्स है. इसके लिए आप टैक्सोनॉमिकल एड्स वाला वीडियो देख लेना, जिसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है ऑलरेडी. तो फ्लोरा, फ्लोरा मतलब क्या होता है, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन. फ्लोरा के लिए हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्ड याद ही रखने हैं फ्लोरा के लिए. इट गिव्स द इंडेक्स टू द प्लांट, ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है. ओके, इसमें कोई प्लांट स्पेसीज वगैरह चिपका के वगैरह नहीं रखते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है. कीज, कीज क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेज. जैसे कि 2 क्वेश्चन पूछते हैं उसमें, एक यस वाला, एक नो वाला. जैसे फेदर्स प्रेजेंट है, फेदर्स एब्सेंट है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. ओके, प्रेजेंट एब्सेंट, उस 2 क्वेश्चंस को क्या बोलते हैं, कपल, कपल कपलेट. ओके, और ईच क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, लीड. ओके, तो की में कॉपलेट एंड लीड, ये याद रखना है आपको. जूलॉजिकल पार्क, इट इज द एक्सिटू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स. एक्स मतलब आउटसाइड, सिटू मतलब हैबिटेट, आउटसाइड ऑफ इट्स हैबिटेट. मैनुअल, मैनुअल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द स्पेसीज ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया. देन म्यूजियम, म्यूजियम मतलब प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस. मोनोग्राफ, मोनो इटसेल्फ इंडिकेट सिंगल, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सोन. तो टैक्सोनॉमिकल एड में है सारे, हमने डिटेल में देखे हैं. तो मैं रिकमेंड करूंगी कि टैक्सोनॉमिकल एड वाला आप वीडियो देख लीजिएगा. फॉर रेफरेंस पर्पज आई एम शोइंग यू दिस शीट्स, फ्लोरा, देन कीज, देन कीज के टाइप्स, देन जूलॉजिकल पार्क, मैनुअल, डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड मैनुअल एंड देन म्यूजियम. ओके, तो ये हो गया हमारा क्विक रिवीजन. ये सारे नोट्स मैं आपको फेसबुक पेज पे देने वाली हूँ, पूरे के पूरे फ्री में नोट्स मिलेंगे आपको. तो आप एक बार मेरे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक की लिंक देखिए, उस पर क्लिक कीजिए, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप आगे ऐसी ही टाइप की वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे बता दीजिए कि आपको इस टाइप के वीडियोज़ अच्छे लगते हैं या नहीं.